आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे एंड एक दो स्टूडेंट है, हमने कमेंट में भी आया था एंड मैं जहां पे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहां पे भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर एग्जैक्टली रिवीजन किया जाए कैसे। एग्जाम होता है तो हमें पता नहीं चलता सर हम एग्जाम से पहले क्या पढ़ के आए क्या छोड़े, सर हम क्लास नोट्स पढ़े या पूरा बुक्स का एग्जाम्पल्स एमसीक्यूज जेई सेक्शंस नीट सेक्शन वो सारा क्वेश्चंस बना के आए, ना थ्योरी पढ़ के आए ना फॉर्मूला पढ़ के आए, एग्जैक्टली हम पढ़ के क्या आए सर? क्योंकि सर हम एग्जाम में बैठते हैं तो सर हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं है सर, हम रिवीजन में क्या कमी होता है हमारा? लाइक हमें पता है कि हमें ये टॉपिक आता है सर बट स्टिल हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते सर, हमारा रिवीजन तगड़ा नहीं हो पाता। तो ऐसे कुछ सवाल हमें पूछे थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स से जो कि अच्छे स्टूडेंट्स से, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि अब थोड़ा सा लाइक जो बोलते हैं ना कि नहीं होता है अभी इस एग्जाम में नहीं होता है तो आप जो बोलते हैं ना कि अनस्टेबल मत होइए खुद को, लाइक कॉन्फिडेंट लूज मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं उसका भी आपको लाइक बताऊंगा क्या करना है आज, वो डिस्कस करूंगा मैं। बट जो अगर कभी एग्जाम खराब हो जाता है तो मायूस मत हो भाई, आराम से उसको थोड़ा चिल हो। देखो ऑब्वियसली इतना सर हम एफर्ट लगाए फिर एग्जाम खराब हो गया तो हमें अच्छा लगेगा ही नहीं भाई। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है, लगेगा नहीं अच्छा। बट ऐसा नहीं कि हम उसको सोच सोच के हम और अपना टाइम बर्बाद करें। लाइक मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनेगा उस 3 घंटे में दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा बट घर पे आके बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद बन जाएगा। तो ना एक प्रेशर होता है। तो अभी अगर आप 11th में हो तो आप जस्ट 10th से आए हो, टेंशन मत लो, कुछ टेंशन मत लो और थोड़ी देर में आप सेट हो जाओगे। एंड अगर आप 12th में हो या तो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा भाई, सभी बच्चों के लिए। तो आज तो मैं बताऊंगा कि हम रिविजन एग्जैक्टली करें कैसे सर, वो जो सवाल है उसका मैं आपको कुछ लाइक टिप्स बताऊंगा, उसको आप फॉलो करिए, देखना श्योर आपका लाइक बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए रिवीजन जब हम करते हैं ना, पहला बात रिवीजन लाइक हमारा दिमाग में होता है कि रिवीजन करना है, चलो आज सर ने जो पढ़ाया वो सारा क्लास नोट्स पढ़ लेंगे, जेई सेक्शंस बना देंगे, नीट सेक्शन बना देंगे, सारा पीवाईक्यूज कवर कर देंगे। भाई अगर एक चैप्टर होता सही है, हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स थे, अब वो सबको सबका क्लास नोट्स पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन बनाना, देन आप कोई बुक से एमसीक्यू बनाना, पॉसिबल होता नहीं है सर हमसे। सुनिए उसके लिए करने क्या है आपको ना, पहला बात आपको रिविजन करने के लिए आप कभी भी थ्योरी से मत जाइए। देखो हम लोग देखे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं, रिवीजन का मतलब होता है कि हम आज पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, ये चैप्टर का थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे। लाइक एग्जांपल अगर हम लेंगे लॉज ऑफ मोशन का, तो लॉज ऑफ मोशन में सर ने क्या क्या पढ़ाया था वो सारा चीजें पढ़ के रिवीजन हो गया बोल के सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। क्लास नोट्स तो पढ़ने ही है भाई, क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, ठीक है ना। आपको क्लास नोट्स तो पढ़ने ही है भाई, क्लास नोट्स पढ़ने ही है, क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास नोट्स तो पढ़ने ही है। बट वो रिवीजन नहीं दिलाएगा प्रॉपर, प्रॉपर रिवीजन आपको क्वेश्चंस दिलाएंगे। कौन से क्वेश्चंस सर दिलाएंगे प्रॉपर रिवीजन? देखिए आप हर चैप्टर का 50 से 100 के अंदर मिनिमम 50 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं। आपको क्या करने हैं समझिए, आपको करने क्या, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करने क्या है हर चैप्टर का चैप्टर वाइज, आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस लाइक सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चन मैक्सिमम 100 क्वेश्चन। लाइक आप अगर आप बोलोगे सर मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, अरे भाई नहीं कर रहे हमें, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, आपको हर चैप्टर का
50 से लेके 100 क्वेश्चन के अंदर इंपोर्टेंट, जो आपको इंपोर्टेंट लगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि अभी हम एक चैप्टर पढ़ लिए, तो हम ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या करेंगे उसमें से जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 200 से लेके 300 तक क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस किए, उसमें से 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख देने। कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने? 50 क्वेश्चन मिनिमम। आप 100 क्वेश्चन तक उसको खींच सकते हो। तो हर चैप्टर का आपके पास मिनिमम 50 क्वेश्चन होने चाहिए। वही 50 क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले बना के जाने हैं, वो होता है रिवीजन। आप ये क्लास नोट्स बाद में पढ़ना चलेगा, क्लास नोट्स बाद में पढ़ेंगे चलेगा, बट पहला बात आप क्या करेंगे, चैप्टर रिवीजन, मतलब मेरे को उसी चैप्टर का 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट बेसिस का 50 क्वेश्चंस, जेई के लिए कर रहे हैं, जेई का 50 क्वेश्चंस, अरे भाई उसी चैप्टर का 50 क्वेश्चंस आप ऐसे सिलेक्ट करिए जो आपको हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। समझने मेरा बात, वो बहुत जरूरी हो जाता है। सो जब आप 50 क्वेश्चंस बनाते हो, उस 50 क्वेश्चंस में थ्योरी जरूरी नहीं है, आप जब 50 क्वेश्चंस बनाते हो आपको कितना याद है वो रिमाइंड होता है। उस क्वेश्चन से आपका न्यूमेरिकल बन गया, आपको थ्योरी रिमाइंड हो गया, आपका कैलकुलेशन पार्ट भी हो गया। आप बोलोगे सर अभी जो 50 क्वेश्चन बनाए उसका क्या करें, फिर नेक्स्ट एग्जाम में भी वही 50 क्वेश्चन? हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम में भी वही 50 क्वेश्चन रिविजन करके जाने हैं। समझ रहे मेरा बात? आप भाई ट्राई करिए, 2-3 एग्जाम में देखना कितना इंप्रूव होगा उस चैप्टर में। आप एक बार ट्राई करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा ट्राई करिए, मैं जो ये बोल रहा हूं ना ट्राई करिए, देखना पक्का इतना इंप्रूव हो जाएगा भाई, याद करते रह जाओगे। तो मैं क्या बोला, करने क्या है, क्लास नोट्स तो पढ़ने ही है, वो छोड़ दो भाई, आप जहां पे भी पढ़ रहे हो क्लास नोट्स पढ़ने ही है। उसके अलावा आपको 50 से 100 क्वेश्चन तक ऐसे सिलेक्ट करके रखने हैं जो हर एग्जाम से पहले आप वही 50 क्वेश्चंस को बना के जाएंगे, वही 50 क्वेश्चन जो इससे जो अभी बना है वो फिर से बनाएंगे। बट मेक श्योर वो 50 क्वेश्चंस पे जब आप पहली बार बनाए वो एमसीक्यू में टिक मत करना। समझ पा रहे मेरा बात? क्या करते हैं हम लोग, हमने एक क्वेश्चन बनाया, लेट क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, हमारा ऑप्शन आ गया ए, समझ रहे मेरा बात, या तो बी, तो हम लोग क्या करते हैं उसी बुक में पेंसिल या पेन से ऐसे टिक लगा देते हैं, खुश हो जाते हैं, टिक लगा देते, वो नहीं करते हैं। ठीक है, इतना करिए, देखना इतना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा आप पता भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर ऐसे 50-100 क्वेश्चन हम कैसे ढूंढेंगे? मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं ना, कौन से 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं ना, बेस्ट बुक फॉर रिविजन। आप एक बार बनाएंगे, लेकिन पहले पहले तो अच्छे से बनाना पड़ेगा भाई, पहले अच्छे से बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद जाके आप फिर उस 50 क्वेश्चंस को आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो पहले कौन सा 50 क्वेश्चन? देखो जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो आप 200-300 क्वेश्चन तो बनाते हो भाई, क्योंकि अब कोई भी बुक लेंगे उसमें एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स होगा, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस होगा, एमसीक्यू सेक्शन होगा, पीवाईक्यूज होंगे, सारा मिला के आपका 200-300 बन जाता होगा क्वेश्चंस, उसमें से 50 क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं। तो मैं एक बुक है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एचसी वर्मा सर का एक बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसमें देखना फ्रिक्शन का 37 या 38 क्वेश्चंस है, लॉज ऑफ मोशंस का 42 या 43 क्वेश्चंस है, वर्क एनर्जी पावर का 58 क्वेश्चंस है, ऐसे उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है एंड बहुत क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। बट जब आप उसको रिवीजन के लिए रखेंगे, देखो उसको अगर आप रिवीजन के लिए रखोगे तो उसका जो पहली बार जब आप बनाओगे उसको प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा। एक बार जब आप अच्छे से बनाएंगे तो जब दूसरी टाइम बनाएंगे उसका 50-60% फिर से अपने आप बन जाएगा, और जो थोड़ा थोड़ा डाउट निकलेगा भाई, एवरी टाइम देखना आप अगर 50 क्वेश्चन बना के भी रखे हो, नेक्स्ट टाइम जब बनाओगे सारे के सारे 50 क्वेश्चन बनेंगे नहीं, उसमें से पक्का आपका कुछ ना कुछ डाउट निकलेगा, तो उसका सोल्यूशन देखना नहीं है, उसको फिर से टीचर से समझने, सर हमने बनाया था ये फिर हम भूल गए, सर कैसे ऐसे कैसे भूल गए, तो टीचर वहां पे सलाह देगा कुछ ना कुछ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आप भी मेरे को क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस अगर डाउट होगा तो आप मेरे को भी कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं उसका सोल्यूशन।
तो रिवीजन करने का पहला और आखिरी यही उपाय हमारा कि हम हर चैप्टर का मिनिमम 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखें, एंड उसी जो भी एग्जाम होगा उसी चैप्टर का अगर एग्जाम है तो हम क्या करेंगे, 2-3 दिन पहले से शुरू करेंगे, वही 50 क्वेश्चंस को बना के जाएंगे। ऐसे अगर हमारा 10 एग्जाम्स होगा तो ऐसे हमारा 500 क्वेश्चंस हम बना के जाएंगे, वही 500 क्वेश्चंस आपको सीट दिलवाएगा भाई, नीट में, जेई में, बोर्ड में अच्छा मार्क दिलवाएगा, समझना। ठीक है भाई, इतना करिए, एंड आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं आप कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।